मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार शिवराज मंत्रिमंडल का गठन ना होने को लेकर सवाल उठा रही थी, लेकिन तालाबंदी की मियाद 19 दिन और बढ़ने के बाद फिलहाल तो कैबिनेट का गठन होता नहीं दिख रहा। अब बीजेपी ने मंत्रिमंडल का गठन ना होने की स्थिति में एक नया विकल्प तलाश लिया है। जी हां, बीजेपी की टीम 11 हालात से निपटने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट में मंत्री पद की हसरत रखने वाले नेताओं को अभी इंतजार करना पड़ रहा है। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, सियासी गलियारों में ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने भी मामले को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए शिवराज ने एक टीम 11 का गठन किया है, जिसमें शिवराज खुद सदस्य के रूप में शामिल है। टीम 11 बनने के बाद फिलहाल कैबिनेट विस्तार न होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शिवराज की इस टीम में बीजेपी के कद्दावर नेताओं के अलावा सिंधिया गुट से भी एक नेता को जगह मिली है। ये टीम मौजूदा हालात से निपटने के लिए काम करेगी। इससे पहले शिवराज वन मैन शो की तरह काम कर रहे थे। टीम 11 में MP बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, सुहास भगत, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, जगदीश देवड़ा शामिल हैं। शिवराज की टीम 11 का संयोजक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को बनाया गया है। इन सभी लोगों को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में हालात की जानकारी सरकार तक पहुंचाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस टीम में सिंधिया गुट से केवल तुलसी सिलावट को जगह मिली है। अब शिवराज कैबिनेट विस्तार के दौरान सिंधिया गुट का कितना ख्याल रखते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। साथ ही शिवराज की टीम 11 सूबे के हालात को कितना बेहतर कर पाती है देखना होगा। DP लाइव की रिपोर्ट।